कोरोना महामारी के दौर में पैदा होने वाले बच्चे कैसे मजबूत हों, इसके लिए भीलवाड़ा डेयरी ने गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक किट तैयार करवाए हैं। विश्व दूध दिवस पर नवाचार करते हुए भीलवाड़ा डेयरी ने 10 गर्भवती महिलाओं को प्रतीकात्मक समारोह में किट वितरित किए। भीलवाड़ा डेयरी में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों को अच्छा खाना खाने की अपील की थी। इसको देखते हुए गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक किट तैयार किए गए हैं। स्थिति में जो बनी हुई है पूरे देश और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से जो तकलीफ आई, तो इम्यूनिटी अगर मजबूत नहीं होगी तो ऐसी बीमारियों से बचा नहीं जा सकेगा। जब बाघ भट्ट जी चरक ऋषि जी ने जब 4,500 साल पहले ही ये चीज़ें कही है, सनातन धर्म में ये चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों को आगे लाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहला सुख निरोगी काया का जो नारा दिया था, इसको ध्यान में रखते हुए हमने आज विश्व दुग्ध दिवस जो 2001 से शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो की है, उसमें आज ये 20वां साल उनका जो जयंती मना रहे हैं, इसमें हमने गर्भवती जो महिलाएँ हैं जो आने वाले दो परिवार को, एक जो माँ है दूसरा बेटा या बेटी जो भी आएगी, तो उनकी इम्यूनिटी मजबूत कैसे हो, बच्चा तंदुरुस्त कैसे हो, माँ तंदुरुस्त रहेगी तो बच्चा बच्ची तंदुरुस्त होगा।